बहुजन संवाद के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम संसद के शीतकालीन अधिवेशन पर बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, ये शीतकालीन अधिवेशन 25 नवंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिला के 25 दिन है। और उसमें से भी अगर आप छुट्टियों के 10 दिन काट दें तो 15 दिन है, और उन 15 दिनों में से जो है वो 5 दिन गुजर चुके हैं। और इन 5 दिनों की उपलब्धि जो है वो 0/0, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में कुछ बहुत ही बुनियादी किस्म के सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि विपक्ष अगर है और सत्ता पक्ष है तो उसके बीच में गतिरोध तो होगा ही होगा, लेकिन इस गतिरोध को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है, किसका दायित्व है? दूसरा प्रश्न यह है कि अडानी पर सरकार इतनी अड़ी हुई क्यों है कि जैसे ही उसका नाम आता है जो है वो सत्ता पक्ष के लोग एकदम से विचलित हो जाते हैं। मोदी जी से अडानी का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है जिसकी वजह से ये लोग इतने सेंसिटिव हैं? एक प्रश्न ये भी है कि मैं पहले सारे प्रश्न बता देता हूं ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अंदाजा हो जाए। एक प्रश्न ये भी है कि हमारे जो स्पीकर महोदय है उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस इश्यू पर बात करना चाहता है उसका भारत से कोई संबंध नहीं, अपने देश से कोई संबंध नहीं। तो सवाल यह है कि जिस आदमी पर बात करना चाहता है उसका तो भारत देश से अभी तक संबंध है, आगे होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तीसरी बात यह है कि महुआ मोइत्रा की जो सस्पेंशन हुआ था वो इसी अडानी की वजह से हुआ था, और इस बात पर से हुआ था कि उन्होंने एक दफ्तर से सहायता ली थी प्रश्न पूछने के लिए और वो दफ्तर दुबई में था। तो उस वक्त तो ये नहीं कहा गया कि दफ्तर चूंकि दुबई में था उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए महुआ मोइत्रा पे जो कोई एक्शन नहीं हो सकता, उनका तो वो सस्पेंशन हो गया। अब इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे संबल का मसला है, संबल का जो दंगा हुआ है, मणिपुर की जो हिंसा हुई है, बल्कि दिल्ली की जो आपराधिक परिस्थिति है, इस पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो चर्चा करना चाहती है। तो इनमें से किसी भी प्रश्न पर जो है वो सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर संसद में चर्चा ही न हो या चर्चा उन्हीं प्रश्नों पर हो जिस पर के सत्ता पक्ष चाहता है, तो ये हजारों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव कराना और उसके बाद संसद के अधिवेशन को चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करना और इन सांसदों को जो है वो संभालने के लिए जो है वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करना, इसकी आखिर जरूरत क्या है? मैं चाहूंगा कि राजा राम सिंह साहब जो के सांसद हैं वो इसके बारे में पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त। आज भी संसद एडजॉर्न हुआ। जो मूल प्रश्न है जिस पर सदन में भाजपा लगातार भाग रही है वो है कि अडानी प्रकरण जो अमेरिका से इस बार शुरू हुआ, जिस पर कि 2200 करोड़ के घूस का मामला सामने आया, और हुआ कि भारत में आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कराएंगे? लगातार देश की संपत्ति को निजीकरण के जरिए अब अडानीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, और हर प्रॉपर्टी को अडानी के हाथ में उन्हें पौने दाम पर बेच रहे हैं। और उसके लिए दुनिया में भी अन्य जगह मैंने सौदों में फेवर के लिए भारत को नीलाम करने के लिए आप यहाँ के अफसरों को ब्राइब भी कर रहे हैं। कोई वैसा अगर अडानी के हित पहुंचाने वाला सौदा हो लेकिन देश हित में नहीं हो, तो लीजिए साहब, आपको 2200 करोड़ रुपया दिया है, आप मुंह अपना बंद रखिए। इन्हीं सब जांच के लिए बात हो रही है कि जेपीसी बैठे और तमाम मुद्दों पर बात करे। 2200 करोड़ तो घुस हुआ, इसके एवज में क्या फेवर्स लिए थे अफसरों से? जैसे एक बार मामला उठा था मधु कोड़ा का, 1000 करोड़ कमीशन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लिया। उस समय भी हमने ये बहस छेड़ा था कि 1000 करोड़ तो कमीशन की राशि हुई, इससे किन कंपनियों ने यह कमीशन दिया और इसके एवज में उन्होंने झारखंड को कितना लूटा? तो वही बात यहाँ भी स्टैंड करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी का कोई सीईओ या उसका कोई प्रवक्ता नियुक्त हो वो नहीं बोलता है,
बीजेपी सीधा सीधी अडानी के पीठ पर खड़ा हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अडानी और भाजपा एक है। आज तो संसद में नारे भी लगे कि मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं, तो ये नारे भी लगे। एक टैक्टिस के बतौर हम देख रहे हैं कि देश में कॉरपोरेट लूट को पर्दादारी के लिए पीछे करने के लिए देश में कम्युनल डिवाइड की एक पॉलिटिक्स चल रही है। डॉक्टर सुनील साहब, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं कि आप क्या सोचते हैं अडानी पर सरकार की आगे हुई है। बहस करने में आपका विश्वास ही नहीं है, क्योंकि कुछ कार्रवाई करनी नहीं है। जब कोई भी विषय बहस के लिए लिया जाता है तो सभी जो उपस्थित पार्टियों के सांसद हैं उनको समय देना पड़ता है, उनके सवाल उठते हैं, वो फैक्ट्स प्रस्तुत करने का काम करते हैं, सरकार को जवाब देना होता है, अन्यथा सरकार के खिलाफ में पूरा वातावरण बन जाता है। इस बात को वो जानते हैं, पार्लियामेंट के अंदर यही होता है, और इसीलिए वो नहीं होने देना चाहते और पूरा का पूरा दोष ऑपोजिशन के ऊपर बढ़ना चाहते हैं कि ऑपोजिशन ही संसद नहीं चलने देता। जबकि जो है ऑपोजिशन बार बार कह रहा है कि हम बहस चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं, हम संसद को चलाना चाहते हैं। और ये वाली बात तो एकदम साफ हो गई कि मणिपुर का मामला अब एक साल से ऊपर हो गया, वहां पर आज भी हिंसा चल रही है, लूट चल रही है, बलात्कार वहां पर चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक को हटाने को तैयार नहीं। यहाँ पर संबल की हिंसा के लिए जिस अधिकारी को दोषी माना जा रहा है उसका पूरा पास्ट रिकॉर्ड ही इस तरीके का है, उसके ऊपर कार्रवाई करके जो है वो कार्रवाई तक नहीं की जा रही है, मतलब जिस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, सीधी सीधी ऐसे अधिकारी की सेवाओं में जरूरत नहीं है, उसकी सीधी बर्खास्तगी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो 5 लोगों के कातिल हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, ये तो एक न्यूनतम बात है। तीसरा जो पूरा का पूरा मसला है वो अडानी का है। अडानी को लेके पिछली संसद के अंदर भी इन्होंने बहस नहीं होने दी थी, और जिस जिसने उठाया था मामला, चाहे महुआ मोहतरा जो है उन्होंने उठाया हो, चाहे संजय सिंह ने उठाया हो, जिस भी पार्टी के जिस भी सांसद ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया, उसे संसद का बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। अब मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट जो है आप चुन के आए हैं पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए? मतलब जो 234 सांसद हैं, 235 सांसद, वो लोग ये काम कर सकते हैं कि वो अपना खुद का जो है एक एक जिसे कहा जाए कि समानांतर वो अपनी मीटिंगें करें, और उस मीटिंग के अंदर वो अपना जो है प्रस्ताव लें, उसके ऊपर जो है अपना मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बात एकदम साफ है कि सरकार बहस से भाग रही है। अब सरकार को बहस के लिए किस तरीके से तैयार किया जाए, मुझे लगता है कि इसके लिए जन आंदोलन ही एकमात्र तरीका हो सकता है, और पार्टियों को इसकी तैयारी अपनी करनी चाहिए। डॉक्टर तिवारी साहब, आप जाने वाले हैं, तो आप बताएं कि टीएमसी ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि गतिरोध न हो और पार्लियामेंट चले, तो अब जो एडजॉर्नमेंट होगा उसमें हम शामिल नहीं होंगे, तो ये जो उससे हट के एक स्टैंड लिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में पार्लियामेंट में, तो इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? इसके सच तो यह है कि सब लोग परेशान हैं, सब लोग देख रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को ये धूल धूसरित करना, उसको बेइज्जत करने पर लगे हुए हैं, जिसके ऊपर पूरे देश को आज भी सम्मान है, आज भी उसकी श्रद्धा है। जुडिशरी मुख्य न्यायाधीश को जिस तरीके से अपने यहाँ आकर के उन्होंने आरती करवा करके उन्होंने जलील किया और नंगा करके रख दिया हमारे सामने, और फल यह है कि आज की तारीख में कार्यपालिका विधायिका तो अपनी जगह है, और ये चुनाव आयोग और न्यायपालिका को भी उन्होंने उसमें बुरी तरीके से लपेट दिया, और उसके चलते और जो भी चीजें हो रही हैं हम तो ये देख रहे हैं कि सदन में उनकी जो जो चाहते हैं वो बात न उठने पावे, उसके लिए वो तरह तरह के छल छंद कर रहे हैं। अभी जैसे क्या हुआ, आप उठा करके देखिए, 3 घंटे के अंदर कोर्ट का और भी छोटे कोर्ट का, लोअर कोर्ट का फैसला आ जाता है, सर्वे हो जाता है, और उसकी गोली भी चल जाती है, सब हो जाता है, और उसके पीछे क्या कारण है? केवल यही कारण है कि इतना पूरे देश की मानसिकता को आप उलझा दीजिए कि जो मुख्य चीज है
अडानी जी जो आज की तारीख में हार्ट केक बने हुए हैं, और अडानी के ऊपर चर्चा करने का मतलब है, अडानी के ऊपर उनको सजा करने का मतलब है कि सीधे सीधे उसमें मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस चीज से ध्यान हटाने के लिए ये सदन भी नहीं चलने देंगे, कोर्ट भी नहीं चलने देंगे, जनता को भी नहीं चलने देंगे, पीआईएल को भी नहीं अपना करने देंगे। किसी चौतरफा इनका केवल एकमात्र प्रयास है कि अडानी पर चर्चा कैसे न हो। अब बात जब निकल गई है तो बात बहुत दूर तक जाएगी, न्यायपालिका के स्तर पर भी, सदन के स्तर पर भी, और सड़क पर भी। अब हमको लगता है कि सड़क पर भी बहुत जल्दी ही आपको यह संघर्ष देखने को मिल जाएगा। प्रोफेसर खालिद साहब, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि अडानी पर एक जेपीसी का गठन होना चाहिए, तो जेपीसी का जो है वो गठन होता है जैसा कि अभी वक्त पे हुआ था, और उसपे उन लोगों की कुछ मीटिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है उससे जनता को कोई मतलब नहीं रहता है। अभी इस सदन में उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, और समय लिया गया, पता नहीं अगले सेशन में आएगी या पता नहीं कब आएगी। तो जेपीसी का मामला तो बड़ा ढीला ढाला होता है। तो अगर सत्ता पक्ष ये कह दे कि ठीक है भाई, एक जेपीसी बना देते हैं इस प्रकरण पे बातचीत करने के लिए, उसमें आधे से ज्यादा तो बीजेपी के लोग हो गए, और फिर वो जो है वो अडानी की वकालत उसमें करते रहेंगे, अडानी का बात बीका नहीं होने देंगे, तो इसने इसको इतना ज्यादा अपनी इज्जत का मसला, अपने वकार का मसला बना लेना, और ये कहना कि आप अडानी का नाम लेंगे तो साहब हम जो है वो सेशन को स्थगित कर देंगे, इसका क्या कारण आपको दिखाई देता है? देश इस समय एक बहुत ही विशेष सर्कल में फंसा हुआ है, और वो विशेष सर्कल जो क्रिएट किया गया है उसमें सबसे पहले आप डिविसिव पॉलिटिक्स करो, उसके बेस के ऊपर इलेक्शन जीतो, सत्ता में आओ, और उसके बाद अगर ऑपोजिशन शोर मचाए उनकी कोई बात ना सुनो, और इतनी ज्यादा ज्यादतियां करो कि अगर आप ज्यादती का भी कहें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो कहते आप कोर्ट चले जाओ, उसके बाद कोर्ट को भी कंट्रोल कर लो। तो ये सब चीजें एक विशेष सर्कल क्रिएट करती हैं, जिससे वो चाहते हैं कि हम राजनीति को निकलने ही नहीं देंगे, उसमें फंसा रखा है। अडानी का जहां तक मसला है, बिल्कुल क्लियर है कि जो कोर्ट की अमेरिका की जो कोर्ट की इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनके पास जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उसके बेस पर उन्होंने चार्जशीट किया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि भी आइए, अरेस्ट वारंट वगैरह सारा कुछ हुआ है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी इस चीज को, इसके ऊपर जेपीसी भी क्रिएट करती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी एक तरह से एक्सेप्टेंस है, वो उस तक भी नहीं आना देना चाहते, वो कहते हमने ये बात तो सुननी नहीं है बिल्कुल, उसकी आड़ में बाकी जितने इश्यूज के ऊपर चर्चाएं होनी बाकी थी, चाहे वो मणिपुर है, चाहे आपका ये दिल्ली के क्राइम्स हैं, दिल्ली पुलिस का कंट्रोल है, संबल है, वो सब चीजों की चर्चा जो है उसमें लिपट जाती है। तो ये सरकार जो है ये ऐसे मानेगी नहीं जब तक इन पर पूरा प्रेशर चारों तरफ से नहीं पड़े। श्रीवास्तव साहब, आप कानूनी विशेषज्ञ हैं, तो अभी जो डॉक्टर सुनीलम साहब ने सुझाव दिया था कि कोई समानांतर यानी ये पार्लियामेंट की पैरेलल कोई सिस्टम हो, तो वो जो है वो सांसदों का हो सकता है विपक्ष के, या ये कि जनता का हो सकता है, या ये कि और भी कोई संगठन का हो सकता है, तो आप क्या समझते हैं ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है फिलहाल, उसके अंदर किसी समानांतर उसकी कोई गुंजाइश है या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? पैरेलल पार्लियामेंट चलाना तो एक प्रतीकात्मक एक आंदोलन का स्वरूप ही हो सकता है, उसका संवैधानिक तो कोई वो महत्व हो नहीं सकता, ना वो रिकॉर्ड पे लिया जा सकता है। और आप तो देख रहे हैं रोज धनखड़ साहब बैठते ही बोल देते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 5 मिनट में उठ के चले जाते हैं। शुरुआत ही वो इससे करते हैं, जैसे ही कोई मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई जयराम रमेश खड़े हुए, उन्होंने कहा डियर फ्रेंड नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, और उठ के अपना एडजर्न करके चले जाते हैं। ये बड़ा सिस्टमेटिक है, और राजा राम सिंह जी ने बोला और अभी शायद डॉक्टर सुनीलम ने बोला, मूल बात यही है कि संसद को रिडंडेंट बना देना, संसद को ये जनता के मन में ये धारणा बिठा देना है
कि ये संसद किसी काम की नहीं रह गई है, नहीं है, क्योंकि पिछले कई सेशन से और कई साल से ये चल रहा है कि जो मुख्य सवाल जो है वो विपक्ष को कभी भी उठाने दिए नहीं जाते। और इसी तरह से चूंकि संविधान में संसद को 3 सत्र बुलाना जरूरी है और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता, इसलिए ये संसद बुलाई जाती। सरकार की तो ये मंशा है कि हुड़दंग होता रहे और उनका जो पार्लियामेंट्री जो उनका रोज का वो है जरूरी जो कामकाज है वो इसी तरह से पारित होता रहे और उसको आगे बढ़ाया जाता रहे। तो क्या बेरोजगारी के सवाल पे सरकार चर्चा करने की स्थिति में है? क्या महंगाई के सवाल पे चर्चा करने की स्थिति में है? नहीं है। आज किसी भी सवाल पे, अडानी के सवाल पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि किस तरह से। और आप आश्चर्य देखिए कि उसके लिए मुकुल रोहतगी को और महेश जेठमलानी को खड़ा किया गया और वो उन्होंने कहा कि हम स्वप्रेरणा से बिना अडानी से पूछे हम ये इस सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसमें अडानी का कहीं रोल नहीं है और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक तीर से 2 शिकार, एक तो चर्चा नहीं होने देना है, अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देना क्योंकि मोदी का तो इन्वॉल्वमेंट उसमें आएगा, क्लियर होगा, और दूसरा इसी बहाने संसदीय व्यवस्था को रिडंडेंट बना देना है जैसा हिटलर ने किया था, आग ही लगवा दी थी संसद भवन में, आप जानते हैं उसने आग लगा दी थी संसद भवन में, जलवाई दिया था संसद को और लोगों ने कोई बड़ा विरोध भी नहीं किया, उसके समर्थकों ने कहा कि संसद का कोई उपयोग नहीं। तो ये भारत में भी जो है जो मोदी जी जो है वो पूरे हिटलर के फोटो कॉपी है, इसलिए ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये देखिए संसद को पूरी तरह से खत्म करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की इनकी मुख्य रूप से कोशिश है और एक देश एक चुनाव जैसा आरएसएस का था, एक निशान एक पंत प्रधान, तो एक पंत प्रधान बनाना जो है ये इनका एजेंडा है। कुछ कठोर कुछ मिलिटेंट कुछ कदम उठाने की जरूरत है विपक्ष को, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो या बंद का हो या हड़ताल का हो, तभी इस स्थिति में कुछ सुधार होगा। मेरा सलीम साहब बस केवल ये जोड़ना चाहता हूँ जो बात कहा उससे सहमत जी, सहमति के साथ में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि असल में ये मेजोरिटी जुगाड़ करने के चक्कर में है कि अभी 240 हैं, 30 सांसदों को खरीदना है, दल बदल कराना है, कुल मिला के जब इनके पास में मेजोरिटी अपनी खुद की आ जाएगी तब फिर आपको सदन कभी कभारे कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, इनके जितने 16 बिल हैं या जो भी कुछ इनको कानून बनाने तब ये सब कुछ होगा। तो मैं केवल सहमति अपनी देना चाहता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस कारण से नहीं चलाई जा रही है पार्लियामेंट। अजहर साहब, अगर ये संसद जो है एक फॉर्मेलिटी बन जाए, एक रस्मी चीज बन जाए, जनता जो है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा लेगी, क्यों जाके अपना वोट डालेगी, जब उसको मालूम है कि जो हमारा प्रतिनिधि है उसको तो बोलने दिया नहीं जाएगा, वो तो जो है उसका माइक बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो लड़ने की बात कर रहे थे श्रीवास्तव साहब, अब ये कि अंधेरे को हम डंडे से तो नहीं भगा सकते, तो इसको जो है वो इस प्रवृत्ति से लड़ने का क्या तरीका है जिसमें के आप लोगों को अलाउ करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्लियामेंट में आने देते हैं, पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके अंदर बोलने नहीं देते, तो इसका मुकाबला करने के लिए क्या ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के पास या जनता के पास? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बार कहा था, सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो संसद का माहौल बना रखा है वो बहुत ही शोचनीय है। आज अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, हकीकत है कि सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के लोग किसी भी मुद्दे पे संसद में चर्चा कराना ही नहीं चाहते, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे संसद में सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। अडानी का मुद्दा है,
अडानी तो इनकी आत्मा है, अडानी के मुद्दे पे कैसे चर्चा होगी। संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और ये जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष नहीं चाहता है, जबकि हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष नहीं चाह रही है कि किन्हीं मुद्दों पे चर्चा हो। अभी तस्करा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दे दी है, हम तो चाहते ये थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको जड़ से खत्म करे। 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसको लागू करे ताकि निचली अदालतें ऐसे एप्लीकेशन को सुनने के लिए स्वीकार न करें। हमको संघर्ष करने के लिए तैयार होना होगा, सड़क पे आना होगा, और नहीं तो सरकार तो डिक्टेटरशिप, ये तो हिटलर से भी सरकार आगे बढ़ गई है। तो इसके लिए तो विपक्ष को, तमाम लोग, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो अंबेडकरवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, जो लोग भी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, चाहे जेल भरो आंदोलन करना। शशांक यादव साहब, एक बात कही जाती है सड़क पे संघर्ष, तो सड़क पे संघर्ष ये तो दो शब्द है, लेकिन इसके तहत क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी जब तक की डिटेल्स लोगों के सामने ना आए तो फिर ये जो है वो सिर्फ शब्दों का खेल बन के रह जाता है। तो एक तो आप ये बताएं कि सड़क पर संघर्ष के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, और दूसरी बात ये भी सामने आई कि अडानी जो है वो मोदी की आत्मा है, तो इंसान अपनी आत्मा पे बात क्यों नहीं करना चाहता। भाई मेरी आत्मा है, आप मेरी आत्मा के बारे में पूछे, मुझको खुशी होगी, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि मैं जो है ये सोचता हूँ, इसको सही समझता हूँ, इसको गलत समझता हूँ, इसलिए गलत समझता हूँ, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो अगर अडानी जो है वो मोदी की या सरकार की आत्मा है तो उस पर बातचीत करने से सरकार भागती क्यों है? ये सर फासिस्टों का इतिहास रहा है कि वो कहते हैं या तो हमारे साथ हो या दुश्मन हो, विरोधी नहीं मानते हैं, उनके यहाँ विपक्ष वाली कोई गिनती नहीं होती है। दूसरी चीज फासिस्टों का इतिहास है, ये जनता के डीपोलिटिकलाइजेशन, गैर राजनीतिकरण में विश्वास रखते हैं, और इस गैर राजनीतिकरण के लिए, और सबसे बड़ी जो टिपिकल बात है कि ये लोकतांत्रिक तरीकों का ही इस्तेमाल करके तानाशाह बनते हैं। हिटलर, कल भी मैंने ये बात रखी थी कि हिटलर अल्पमत सरकार से आके और तानाशाह बना था, और इनका जो है एक ही तरीका है, इसलिए ये इन मुद्दों पर कभी भी चर्चा करने का, मतलब इनके पास जब जवाब ही नहीं है तो ये चर्चा क्यों करेंगे, चर्चा होने नहीं देंगे। ये डरते हैं सिर्फ जनता की गोलबंदी से, और जनता की गोलबंदी प्रतीकात्मक नहीं होती है कि आप एक ओकेजन कर दें, एक मीटिंग कर दें, वो गोलबंदी नहीं कहलाती है। गोलबंदी ये है कि अगर यात्रा निकल रही है तो फिर हर जिले से यात्रा निकले, अगर आंदोलन हो रहा है तो ये नहीं है कि जंतर मंतर पे आंदोलन होके वो केवल इलीट क्लास का अभिजात वो आंदोलन होके रह जाए। जन आंदोलन तो तब होगा कि जब वो जिला मुख्यालय तो छोड़िए, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय तक पे आवाज जब उठेगी। मेरा अपना ये मानना है कि इन फासिस्टों से अगर आपको लड़ना है तो आप अगर प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ेंगे तो आप पिटेंगे, प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ेंगे 10-20-50-100 के नाम पर आप धरना प्रदर्शन करेंगे, उठा के बंद कर दिए जाएंगे और रगड़ दिए जाएंगे, जो फासिस्टों की पुरानी ताकत है। लेकिन फासिस्ट डरपोक भी सबसे ज्यादा होते हैं। अगर जन गोलबंदी बड़ी होगी, धरना प्रदर्शन कोई भी आपका अगर 2-3 हजार से ज्यादा का होगा तब ये डरते हैं। जागृति बहन, के ये लोग जो है वो इन दोनों प्रश्नों पर बातचीत क्यों नहीं करना चाहते, या विपक्ष ये क्यों नहीं कह देता कि ठीक है अडानी का मसला परसों उठाएंगे लेकिन आज कम से कम इन दोनों विषयों पर बातचीत हो जाए। वो सेंगुल जो आकर रखा गया वो शायद इसी बात का प्रतीक था कि अब ये जगह जो है वो इसी तरह से चलेगी राजतंत्र में, जैसे चलता है कि राजा चाहेगा तो लोग बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे। और धनखड़ झा तो सच में वो, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर हैं, ये दोनों लोगों को ऐसे देख के लगता है, मतलब
कॉमेडी देखनी हो, मिमिक्री करनी हो तो आप उनको देखिए, गंभीर से गंभीर मसले पे भी उनकी उनका रवैया ऐसा ही होता है, उनकी खुद का कोई स्टेक ही नहीं है, वो बस उसी तरह काम करते हैं कि जो वो सत्ता पक्ष की को प्रोटेक्ट करने का जो एक भूमिका होती है। तो हम लोग भूल गए हैं कि कोई राज्यसभा में स्पीकर या लोकसभा में स्पीकर की कोई भूमिका होती थी। भूमिका उनकी जिस तरह से नजर आ रही है वो एक आदती व्यक्ति की तरह से बात करते हैं, तो डिक्लाइन का तो कोई लिमिट नहीं रह गया ना। अभी कहाँ तक चीजें जाएंगी मुझे नहीं मालूम। जनता को अब ये सब चीजें आश्चर्यचकित भी नहीं करती हैं, सबको मालूम है चीजें क्या हो रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं। और ये चीजें, अब एक और चीज कहना चाहती हूँ कि आंदोलन का मतलब इवेंट नहीं होता है। विपक्ष को भी ये समझने की जरूरत है कि लड़ाई अब आर या पार की करनी पड़ेगी। इस देश को धनखड़ जैसे, ओम बिरला जी जैसे, चंद्रचूड़ जैसे और राजीव चुनाव आयोग, इस तरह के चार पांच लोगों ने मिलके, मोदी जी और अमित शाह को छोड़ दीजिए, उनकी कैबिनेट को छोड़ दीजिए जो खुद ही गूंगी है, आप तो विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं? सत्ता पक्ष में कोई बोलता है क्या? किसी मिनिस्टर को बोलते सुना, उसको अपनी भूमिका में बोलते सुना है? मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि इतने दिनों में हम लोग को याद भी होगी कौन सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर और राजनाथ सिंह या और तमाम जो बड़े बड़े सीनियर हैं वो कुछ बोलते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से साइलेंस है और मनमानी का एक साम्राज्य है, पूरी तरह से मनमानी का, कि हम जिसकी लाठी उसकी भैंस और यही चलेगा देश में। ये एक साफ साफ मैसेज है। उसमें सांप्रदायिकता के मामले में भी वही है कि हम हिंसा में भरोसा करते हैं और हम जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे ठोक देंगे, और वो कर रहे हैं उसी तरीके से। ये जो बात सही कही लाली जी ने कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिंग मतलब आज रोका है थोड़ा सा उनको, वो भी एक कहते हैं ना जस्ट स्टॉप की तरह ही, कॉमा की तरह है, वो फुल स्टॉप नहीं है, वो खुद का ही कानून है जो इस देश का, उसको लागू कराने में इतनी झिझक क्यों है, इतना दबाव क्यों है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? राज्य सरकारों का, विपक्ष की सरकारों का हाल ये है कि क्यों ममता बनर्जी नहीं बयान देंगी, क्योंकि वो तो डर के मारे अपना बजट लेने के लिए उनको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सरकार चलाने के लिए और उनको जनता के लिए कुछ नहीं करेंगी तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है और जिस तरह का ग्रिप बनाया जा रहा है, इसको सीधे सीधे कहते हैं कि एक बिल्कुल नागपाश लगाया जा रहा है, जिस तरह का ऑक्टोपस की टांगों की तरह से कंट्रोल कर रहा जा रहा है देश को, वो एक तानाशाही का एक पूरा मॉडल है अपने आप में। और उसके खिलाफ अब इवेंट करने से नहीं चलेगा, मैसेज देने के लिए आपको फिर आर या पार के लड़ाई में उतरना होगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि अब इस चुनाव में और इस सिस्टम में कोई दम नहीं रह गया है, जब तक ये निष्पक्षता के साथ काम नहीं करने की एश्योरेंस मिलती है तब तक हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हमारा आज 80वां दिन है सर्वसेवा संघ राजघाट में सत्याग्रह का, और हम खुद राहुल गांधी जी से, विपक्ष के नेता जो है उनसे और तमाम सांसदों को चिट्ठी देकर आए थे दिल्ली में कि इस संसद सत्र में हमारी कम से कम जो सवाल है वो पूछे जाएं कि भाई किसके आदेश पर और क्यों संस्था का को बुलडोज किया गया, ये सवाल कम से कम पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वहां सॉलिसिटर जनरल हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है और हमारा केस सुनने ही नहीं दिया जा रहा है, 1.5 साल से चल रहा है और सुनवाई ही नहीं शुरू हुई अब तक, ये स्थिति है। तो हम क्या है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सवाल उठे, हमारे जो जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार ने लूटी है संस्था की, वो किस तरह से लूटी है, एकदम दबंगई के साथ, गुंडई के साथ उन्होंने काम किया है, किसी कानून को धता बताते हुए काम किया है, इस पे सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि गांधी की इतनी बड़ी संस्था को आपने बुलडोजर से ढा दिया, और हम उस सवाल के लिए हमको इतना इंतजार करने की जरूरत है, और तब जबकि हमारा सांसद खुद प्रधानमंत्री है यहाँ से। मणिपुर जैसी हालात जो है और संभल जैसी घटनाएं, बहराइच जैसी घटनाएं, इन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कानून व्यवस्था का और शांति और सुरक्षा का, देश की एकता अखंडता का मामला है।